धमा धम मचा देना। दरवाजा खोल के बैठी फर्स्ट नाइट, इन्हीं मौकों के लिए गाना बना है वो। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बहू डरना नहीं बिल्कुल भी, एकदम शेरनी जैसे दहाड़ के बाहर तक आवाज आनी चाहिए। जी बुआ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो, हिचकिचाओ मत, पूछो, ऐसे मुश्किल नहीं है, इजी है। घोड़ा घोड़ा खेला था ना बचपन में, वही है, वही बात है। ओ भाई मारो मुझे मारो, घबराहट हो रही है ना, सबको होती है। अच्छा चल, तू इतना पूछ रही है तो बता देती हूँ, तेरे फूफा जी बस दिखते शांत है, है एकदम खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी। इंटरनेशनल खिलाड़ी, मुन्ना के आने से पहले चेंज नहीं करना है? मुन्ना के सामने चेंज करोगी? और सुनो, बिना टिकट के गाड़ी चलने देना मत। टिकट? पहले टिकट, और बिल्कुल घबराना नहीं, ड्राइविंग सीट पे खुद भी बैठ जाना कभी कभार। अब तुम्हारी शादी हो गई है, मुन्ना अब तुम्हारा पति है, कर लो मुन्ना मुट्ठी में, आज रात को ही कार्यक्रम एकदम टन टन धमा धम मचा देना, एकदम जैसे धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। नहीं, केवल तुम दोनों ही। सोच रही हो ना बुआ कब जाए, मुन्ना अंदर आए, भेजती हूँ अंदर। मुन्ना साथी में तो थक गए, ठीक है। देखो बेटा, उमर के तजुर्बे से कह रहे, शादी हो गई फटाफट, अच्छा खेलना कूदना मौज मनोरंजन जिंदगी भर लगा रहेगा, करते रहना। आज लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ये शादी के कुछ दिन होते हैं जब दिमाग एकदम शांत होता है, उसी में जो है अच्छा सा एक पोता या पोती, पर पोता सही रहेगा हमारे ख्याल से। पोता हो जाए फिर पोती भी कर लेना, हाँ बच्चे बच्चे होंगे घर में, पर आज रात काम हो जाना चाहिए, समझ रही हो? अभी जवान हो, बच्चे हो जाएंगे तो पाल पोस लोगी, कल बुढ़ा जाओगी, बच्चे कौन पालेगा पोसेगा? बुढ़ापा ऐसी बीमारी है बेटा, इसकी कोई दवा नहीं है, शरीर जैसे बीमारी का घर बना है, कब भगवान बुला ले पता नहीं। पड़ पोते का मुंह देख लेते तो हम भी तुम्हारे दादाजी के पास चले जाते। फिर वही क्लासिक मरने की धमकी, ये बुड्ढे मरने की धमकी देके सबसे पहले तो शादी करवाते हैं जबरदस्ती और फिर बच्चे करवाते हैं, इनको लगता है बस यही काम रह गया हम लोगों की जिंदगी में, बस शादी करो और बच्चे करते रहो। जल्दी जल्दी एक ऑर्डर कर रहे हैं पोता, फटाफट डिलीवरी कर लेना, फिर भगवान ने चाहा तो कुछ साल और जी लेंगे, एक आख पोता और देख लेंगे। पोती, सारी फेमिनिस्ट आके दादी को गाली दे जाएंगी। जी दादी जी, हम दोनों का वक्त हो गया है, मेरा दवाई खाने का वक्त हो गया है और तुम्हारा hey! पहली बॉल पे छक्का मार ही देना बेटा, हिट एंड रन सिक्स। देख रहे हैं शादी ब्याह का घर है, घर में लेडीज है, ये नहीं आदमियों को लेके बाहर चल जाए, यही खड़े होकर पंचायत कर रहे हैं, सारी पॉलिटिक्स यही कर लेंगे आज। परेशान हो गए, तुम ठीक हो? हम तो चेंज कर लिया आते ही नाइटी में, कि हमको नहीं होता ये साड़ी ओड़ी में झंझट, इतना काम है उसी में सब लगे हैं, यहाँ वहाँ, ये नहीं सब अपना अपना काम कर ले, अब तुम यहाँ बैठी हो, नंदिनी ने दूध दिया, नंदिनी अच्छा दी है, ठीक है, सब अपने मन की ओर रखे, पूरा घर एकदम मन बड़ हो गया है, कब से कह रहे मुन्ना को चलो बेडरूम में, 3 साल से शादी करा दो मम्मी, शादी करा दो, अब जब शादी करा दे तो वहाँ खड़े होकर बात कर रहा है, अरे काम है तो काम आके करो ना पहले, यहाँ पे तो कोई हमारी सुनी नहीं रहा है, बस यहाँ वहाँ दौड़े जा रहे हैं, खिल्ली मजाक बना रखा है घर को। अरे हो गई शादी, अब निकलो, एक तो तुम्हारी ये बुआ कसम से बता रहे उसको तो एक दिन हम कूट देंगे, बैठी यहीं पे चंद्रमुखी बन के लहरा रही है यहाँ से वहाँ, सवेरे होते पूरी खबर लेके जाएंगी ये,
ये एक अच्छी बात है। मेरी और मेरी सास की बुआ जी के रिलेटेड जितनी भी थिंकिंग और फीलिंग्स है सारी सेम है। सबको जाके अब ढिंढोरा पीटेगी है। ये जैसे तुम्हारे कमरे में हमने देख लिया तभी हम फटाफट एकदम नाइटी चेंज करके हम बोले हम जा रहे हैं, सारा काम छोड़ के पहले हम दौड़ के यहाँ आए। जो भी अंड शंड सिखा के गई है बेटा कुछ सुनना नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, सुनो ही मत, एक कान बंद कर लो ठीक है। उम्र हो गई है, चार चार बच्चे हो गए, ये नहीं अब भगवान में ईश्वर में मन लगाए, नहीं इसी सब में इनका मन लगा रहेगा। फेरे हुए तब से पगलाइए, हम बहू से बात कर लेंगे, हम बहू से बात कर लेंगे। अरे हमने कहा तुम ऐसे क्या बात कर लोगे जो बहू को नहीं पता होगा, हमें तो किसी ने नहीं बताया था, सब समझ जाते हैं ना। तो तुम्हारे पापा इनके सामने कुछ बोल नहीं पाते, इनकी बड़ी फेवरेट बहन है, नहीं तो चंद्रमुखी का मुख हम ऐसा ऐसा कर देना कि अमावस के चंद्र की तरह गायब ही रहेगी इस घर से। बेटा देखो जो भी हो आज संभाल लेना, कल से तुम्हारी जो है ड्यूटी लगेगी किचन में, तो आज ज्यादा थकना उकना नहीं ठीक है, आराम से। अभी तुम्हारा हनीमून पैकेज तो हुआ ही है वहां का, बिल्ला का, बिल्ला मम्मी बाली 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 वही भूल जा रहे हैं बार बार, तो वहां तो सारी पैकिंग हो ही गई है, तो आज जैसे आराम कर लो, सो जाना, थकान हो जाती है ना क्योंकि सुबह सुबह हवन होगा, तो एकदम बेटा 4 बजे जो है उठ जाना। 4 बजे नहीं उठ सकते मम्मी प्लीज, 4 बजे नहीं, आज थक जाओगी तो सुबह उठ नहीं पाओगी, कल एक बार पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए शांति से मन अच्छा रह के, फिर देखो जैसे घर से दूर जाओगी बिल्ला में बाली, तो तुमको और मुन्ना को बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा कोई। सो जा रहे, तुम भी नाइटी उट्टी लाइयो ना, हाँ पहन लो उसको, पहन के सो जाओ आराम से ठीक है, 4 बजे आ जाना ठीक है। मैं आऊं अकेले हो ना, आपको कुछ भी नीडेड रहेगा ना यू टेल मी ठीक है। मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे आपका लहंगा बहुत ही प्रिटी है और आपकी ज्वेलरी से बहुत प्रिटी है और आपका मेकअप भी बहुत ही सटल एंड बहुत ही प्रिटी है। थैंक यू। आपको पता है पूरा रूम मैंने ही डेकोरेट किया, मुझे भैया ने बोला था कि आपका फेवरेट कलर पिंक एंड गोल्डन है, तो इसके लिए मैंने फिर थीम पूरा पिंक एंड गोल्डन ही रखा। आपको अच्छा लगा भाभी? नाइस, बहुत अच्छा डेकोरेट किया, ज्यादा ज्यादा डेकोरेट नहीं किया, मतलब वो एकदम ऐसा ओवर टैकी नहीं लगना चाहिए, इट्स जस्ट सिंपल। आप वैसे वो घाघरा फैला के बैठे ना, मैं आपकी एक पिक्चर लेती हूँ, ऐसे ही फोटो स्माइल, नहीं एक्चुअली आप नीचे देखिए, ओके कैंडिड लेते हैं एक्चुअली, मैं भैया को बुलाऊं साथ, पर भैया भी फ्रेंड्स के साथ है, ये साले जबरदस्ती मेरे से फोटो शूट करवा रहे हैं रिसेप्शन में, इतना वो मन नहीं भरा क्या? नाइस, मैं आपको व्हाट्सएप पिक कर दूंगी। आपके फ्रेंड्स ने जो सब गिफ्ट दिया था ना वो सब उधर रखा है मैंने, मैंने सीक्रेटली सब कलेक्ट करके अलग से ही, मतलब मैं स्टेज के पीछे से जाके आपके रूम में जाके सबको डॉच करके इधर आके मैंने सब छुपा दिया, फिर दैट्स सो स्वीट। मैंने स्नीक इन नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बट आपकी जो फ्रेंड है ना अनामिका दी, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब सब उसमें है, मुझे पता है। 2 hours later. आपको पता है मुन्ना भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब जाना सॉफ्ट एंड पोलाइट जाना बातों से, बाकी फिर आप बताना हमें, आप लोग बाली जा रहे हो? ओह माय गॉड दैट्स ऑन माय लिस्ट फॉरएवर। मैंने भैया को बोला आप भाभी को मालदीव लेके जाइए, पर बोलते हो हमारी औकात के बाहर है, इट्स एक्सपेंसिव, तुम जाना मालदीव। से मैं जा रही हूँ, ऑल द बेस्ट भाभी, रॉक फाइनली, थैंक्स प्लीज, जा भाग ऐसे निकल फट। आपका नाम नई चाची है? नहीं मेरा नाम, हाँ नई चाची है, पापा ने बोला आज नई चाची के पास सोना है। ओ पापा ने बोला, पापा 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 ने बोला चाची के बीच में ही सोना है, चाचा चाचू के बीच में, बराबर, तो मैं सोऊंगी, पिकाचू सोएगा, हाँ, पिकाचू भी सोएगा सर, और आप सोओगे और चाचू भी सो जाएंगे, फिर सुसु करना है तो आपको आपके ऊपर करूं, एक हाथ की नहीं एक मारूंगी ना यहीं से। आपके पास आइसक्रीम है? नहीं मेरे पास नहीं है। आपकी शादी थी ना कल, मैंने आपके शादी में नूडल्स खाया था। हाँ मेरी शादी में था। मुझे हम्प्टी डम्प्टी आता है, हम्प्टी डम्प्टी
दैट टर्नबॉल हम्प्टी डम्प्टी। यार ये कौन सा परिवार है, बुड्ढों से लेकर बच्चों तक को भेजा जा रहा है रूम में। अरे जिसका काम है उसको भेजिए ना सीधे। एक्स वाई जेड। आपने मैंगो आइसक्रीम क्यों नहीं रखी? मैंने बोला था चाचू को मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है। यार नॉर्मली मुझे बच्चे क्यूट लगते हैं, बट एट दिस पॉइंट तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है भाई साहब। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास सोने। जल्दी जाओ, फटाफट जाके सो जाओ मम्मी के पास। ताता को आप मत बोलना। ये जो शादीशुदा लोग हैं वो प्लीज थोड़ी मेहनत करके कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम जैसे कुवारों को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा हमने जो R&D किया है हमारे मैरिड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली में, उनमें से हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है। बट अगर इसके बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए कॉमेंट सेक्शन में जाके, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, कॉमेंट करके बताना ये नए कॉन्सेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं, ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना। भगवान करे मेरा 2 मिलियन कभी ना कभी तो हो ही जाए।